सिखों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बैसाखी? बैसाखी सिखों का एक अहम पर्व है। ये मुख्यतः पंजाब या उत्तर भारत में मनाई जाती है, लेकिन आज जहाँ जहाँ सिख भाई बसे हुए हैं, जाहिर तौर पर वहाँ इसे जरूर मनाया जाता है। बैसाखी रबी की फसल के पकने की खुशी के साथ उनके महान खालसा पंथ से भी जुड़ा हुआ है। आइए जानें क्यों बैसाखी का पर्व सिख धर्म के लिए विशेष है। रबी की फसल पकने की खुशी। आमतौर पर बैसाखी का पर्व रबी की फसल पकने की खुशी से जोड़कर देखा जाता है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और आज भी अधिकांश सिख जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में फसल पकने का समय उनके लिए बेहद खास जाता है। महान खालसा पंथ की स्थापना। मान्यता है कि सन 1699 में वैशाख माह की षष्ठी तिथि को ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिस कारण बैसाखी पर्व बेहद महत्वपूर्ण हो गया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु और सिख धर्म के प्रति श्रद्धा को परखने के लिए लोगों से उनका सिर मांगा। सामने आए पंच प्यारे। गुरु की ये बात सुनकर कई लोग तो डर गए, लेकिन उनमें से पांच व्यक्ति सहर्ष अपना शीश देने के लिए राजी हो गए। वो शख्स थे दया सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह व हिम्मत सिंह जी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोविंद ने उन्हें अमृत छकाया, पांचों प्यारों नाम दिया। गुरु गोविंद जी ने एक लोहे के कटोरे में सतलुज नदी का पानी लिया और उसमें चीनी मिला दी, फिर इसे कटार से हिला दिया जो अमृत कहलाया। पंच ककार और सिंह की शुरुआत। साथ ही घोषणा की कि आगे से ये खालसा के नाम से जाने जाएंगे। इन्हें पांच ककार, कच्छ, कच्छा, कंगा, केस, कृपाण और कड़ा अनिवार्य रूप से धारण करना होगा। साथ ही इस समुदाय के लोग अपने नाम के अंत में सिंह लगाएंगे। सिखों के नाम के अंत में सिंह लगाने की परंपरा तभी से शुरू हुई। एक फौजी कौम। खालसा पंथ की स्थापना का एक मूल कारण अंग्रेजों के प्रति एक ऐसी फौजी कौम तैयार करना था जो पूरे साहस के साथ युद्ध कर सके। इन्हें देश हित के लिए हमेशा युद्ध के तैयार रहने और मजबूरों पर हाथ ना उठाने का प्रण दिलाया गया था। इस घटना ने सिख धर्म को नई दिशा और पहचान दी। देश प्रेम के लिए खुद को पूरी तरह से बदल देने की ऐसी मिसालें इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती हैं। बौद्ध धर्म के लिए भी खास। ये दिन केवल सिख समुदाय के लिए नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी खास है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैसाखी के दिन ही उन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका निर्वाण भी हुआ था। हिंदुओं के लिए बैसाख का पूरा महीना ही अहम होता है, क्योंकि पुराणों में इस महीने स्नान, भगवान बद्रीनाथ की यात्रा आदि का महत्व बताया गया है। उम्मीद है अगली बार जब आप बैसाखी का पर्व मनाएंगे या इसके जश्न में शामिल होंगे तो खालसा पंथ के त्याग और बलिदानों को अवश्य याद करेंगे।